हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी रागिब रहमान। काफी दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं। अभी फिलहाल मैं सिक्स्थ ईयर में था, अब नहीं हूँ क्योंकि अब मैंने एग्जाम क्लियर कर लिए। हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबी लिबी करते थे। हमारी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत। दाद, ये है इसमें सारे बुक्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी अपने सारे बुक्स को जमा करने। वो जो नीचे उतर के रशियन डिपार्टमेंट के नीचे लाइब्रेरी है उस पर होती है वापस। ये मुझसे बहस कर रहा है, अभी इसको मैं सही जगह दिखाता हूँ कि कहाँ पे है लाइब्रेरी। तो दोस्तों, हमारी यूनिवर्सिटी में दो लाइब्रेरी, एक है रशियन डिपार्टमेंट के पास, दूसरी एनाटॉमी के पास। तो अमानुद्दीन मेरे से लड़ रहा है कि हमें रशियन डिपार्टमेंट के पास जाना है, लेकिन मैं उसे कह रहा हूँ कि हमें एनाटॉमी डिपार्टमेंट के ही पास जाना है। तो अभी देखते हैं कौन जीतता है इस बैटल में, कौन है सिकंदर, देखेंगे अभी पता चलेगा। वैसे इसने कभी फाइन वाइन नहीं भरा ना, ये बहुत शरीफ बच्चा है। तो इसे मैंने वहीं पे भरा है। कहाँ भरा है इसको कुछ नहीं पता। दोस्तों अभी चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हम यहीं पे पैसे भरेंगे। ये लाइब्रेरी है, ये वही जगह है जहाँ पे मैंने क्रॉक का एग्जाम लिखा था और जिस पे मैं टॉप किया हूँ इस साल। आर यू कॉमेडी मी, मतलब पास किया हूँ मैं। ये मेरे बगल में बैठा था, ये हर जगह मेरे पास ही रहता है, नाम भी इसका अमानुद्दीन है। ये हमारी लाइब्रेरी है और हम जा रहे लाइब्रेरी के अंदर। दरअसल इसमें हम पहुंच गए हैं तीसरे एताज पे। 2000 years later। हाँ बोलो, गलती बताओ। गलती कुछ नहीं है दोस्तों, गलती बस इतनी है हमें पहले रशियन डिपार्टमेंट वाला लाइब्रेरी जाना था और वहाँ पे लिखवाना था हमने कौन कौन सा बुक खोया है और कौन सा बुक है हमारे पास, और अगर जो है तो वहीं पे जमा कर दो, और जो खोया है उसमें एक पेपर में हमें लिखवाना है कि हमने क्या क्या खोया है। आलम किसको सही बता था, आपको या मुझको? पागल, अभी जो बोझ ढो रहे थे वो तो दिया ना इधर, अभी वहां से हम लेके आते बुक्स वगैरह, इतना ढोते, उससे अच्छा है कि यहाँ पे दे दिया। जाओ, ये तुम्हारा लॉजिक नहीं था, ठीक है। अब जो दोस्तों जो है तो है। वैसे मेरे तीन बुक्स खोए हैं, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने बुक्स ले लिए थे लाइब्रेरी से, जो कभी खोला भी नहीं। खैर वॉर की वजह से वो खो गया था, और हर एक बुक का 400 ग्रेविन मुझे लगेंगे चार्जेस। तो उसके बदले में मैं 6-7 इंडियन बुक लेके आया हूँ, तो वो सारे अभी मैंने इस वाले लाइब्रेरी में ऑफर किए। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है पहले तुम जाओ उस वाले लाइब्रेरी से लिखवा के लाओ, फिर हम देखेंगे क्या करना है। तुम्हें ग्रेविन देना होगा तो ग्रेविन देना, अगर ये इस बुक में कंपनसेट हो गया तो कंपनसेट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों काफी लंबा सफर है हमारा आज का, पेट्रोल पंप के पीछे है लाइब्रेरी, तो अभी हम वहां जा रहे हैं। ये रहा हमारा रशियन लाइब्रेरी बिब्लियोथेका। Я даю вам. मेरे तीन बुक्स हैं जो मैंने आपको बताया था, वो है ये जनरल हाइजीन, फिजियोलॉजी और बायोकीमिया। फिजियोलॉजी सचिन ने खोया था, बायोकेमिस्ट्री मैंने खोया था, और हाइजीन अपने आप खो गया। अमान बोल रहा है अब तो कोई स्टूडेंट आएगा ही नहीं, तुम ये बना किसके लिए रहे हो, देखेगा कौन। तो दोस्तों व्लॉग तो मैं अपने लिए ही बनाता हूँ, तो बनाते हो तो अपलोड क्यों करते हो? अपलोड इसलिए करता हूँ कि चार लोग देख ले। आजकल चार लोग वाला मीम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अभी हम बहुत सारे डिपार्टमेंट घूम रहे हैं बिना मतलब का। ये जो सामने आप डिपार्टमेंट देख रहे हो ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ये जो देख रहे हो ये है ऑस्की डिपार्टमेंट। यहीं पे हमारा स्टेट एग्जाम हुआ था, मतलब जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम बोलो या स्टेट एग्जाम बोलो, वो हुआ था इसी के अंदर। अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं 10, आपको सब जगह जाना है 5 मिनट के अंदर। आपको क्वेश्चन पढ़ने और उसके आंसर्स करने और प्रैक्टिकल्स करने उसके हिसाब से। इसके अंदर ही बंकर है, अगर यूनिवर्सिटी में हुआ गलती से अलार्म बज जाए तो आपको स्पोर्ट्स बिल्डिंग भाग के आना है। और ये है अपना मेन बिल्डिंग, इसका रास्ता उस तरफ से, पीछे से बस टीचरों के पास अथॉरिटी है निकलने का। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये बड़ा सा डिपार्टमेंट है एनाटॉमी का। फर्स्ट ईयर में हमारी ज़्यादातर क्लासेस इसी बिल्डिंग में लगा करती थी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। दरअसल मैं यहाँ आया वापस से, इनको दिखाया कि हमें उस डिपार्टमेंट से ये पेपर मिला, तो इसने पीछे सब कुछ लिख के फिर एक स्टाम्प लगाया और बोला कि वापस से उसी डिपार्टमेंट में जाओ और इसको दे देना। तो यार ये दिमाग ख़राब कर रहे हैं अब। तो अब हम थक चुके हैं, तो अभी हम कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, पानी वानी पियेंगे, फिर जाएंगे। इसको मैंने अपने 6 बुक्स दिए जो मैंने खरीदे थे, जैसे हैपर्स का हो गया, एक एजेन था मेरे पास, नेटर्स था, और भी 3-4 बुक थे, नाम याद नहीं आ रहा अब मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। ये हमारी यूनिवर्सिटी। और एक बात आपको पता है, 6 सालों में यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन एक चीज़ अभी भी कांस्टेंट है, वो है ये बस। ये आज तक यहीं पे है और वैसे ही खड़ा है। जो भी सिक्स ईयर वाले पास आउट होके गए होंगे 2017 में, उन्होंने भी ये बस देखा है। कुछ भी ले लो,
पानी जरूर लेना। यूनिवर्सिटी के अंदर हम किसी और दिन जाएंगे। खरीदा है? अब हम वापस से जा रहे हैं रसायन डिपार्टमेंट फिर से। यूनिवर्सिटी से कभी बुक मत लेना, क्योंकि वो बुक आप कभी खोलोगे नहीं, और बाद में अगर वो खो गई तो फिर ऐसे दौड़ोगे या फिर पैसे दोगे। ये स्टैंप वाला पेपर जमा करने आए हैं बिब्लियोथेका का। तो दोस्तों वो बस पेपर यहाँ पे जमा करना था और कुछ नहीं था, तो ये वाला सीन ख़त्म हो गया। अब बचा है हॉस्टल वाला। तो अभी मुझे हॉस्टल का फ़ाइन भरना है, क्योंकि लास्ट मंथ मैं हॉस्टल में नहीं था लेकिन फिर भी मेरा नाम वहाँ पे था, जिसके वजह से मुझे एक महीने के पैसे उसे देने होंगे। तो अभी जाता हूँ, डीन से बात करता हूँ, देखता हूँ वो क्या बोलती है। बस यही दो डेट बचे हैं मेरे पास। बुक्स का तो सिस्टम ख़त्म हो गया। वैसे बुक का फ़ाइन होता मेरा 1200 ग्रेवन, तीन बुक मैंने खोए थे, तो 400 करके तीन बुक के 1200 ग्रेवन होते, लेकिन मैंने 1200 ग्रेवन के बदले जो इंडियन और बाकी इंटरनेशनल जो ऑथर हैं 6 बुक मैंने उनको दिए तीन बुक के बदले, तो उन्होंने क्लियर कर दिया, बोला ठीक है जाओ पैसे मत दो। ये ठीक है, तो ये डील मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपके पास भी यूनिवर्सिटी की बुक है और फाइन भरना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप अपने बुक्स दे दो यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी आप इंडिया लेके जा नहीं पाओगे, क्योंकि भारी हो जाएगा और वैसे भी वेट की किल्लत हो रही है। जो इंपॉर्टेंट सामान है वो लेके जाओ। हॉस्टल का जो फाइन था उसके बारे में पूछा, तो उसने बोला कि एक हफ्ते के बाद आना, लिस्ट निकलेगा उस हिसाब से दे देना जो भी लाइब्रेरी का। अगर तुमने लाइब्रेरी का दे दिया तो चलो अच्छी बात है, हॉस्टल का एक हफ्ते बाद आना। आज का सीन खत्म हो गया, फिलहाल लेते हैं यहाँ से दो चॉकलेट शेक और पीते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। चॉकलेट शेक लिया है हमने मैगडी से और बैठ के पियेंगे KFC में। क्या फिर अचानक से हमें ये एहसास हुआ कि हम गद्दारी कर रहे हैं दोनों ब्रांड के साथ। तो अब एक्चुअली मैं ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे गर्मी लग रहा था। तो अब हम जा रहे हैं लिवी पीने आता है। अब हम बैठेंगे लिवी क्रॉसिंग, ये हमारा फेवरेट प्लेस है, हम हमेशा यहीं पे बैठे रहते हैं। कोई काम हो तब भी यहीं बैठते हैं, कुछ डिस्कशन करना हो तब भी यहीं बैठते हैं, और जब कोई काम ना हो तब भी यहीं पे बैठते हैं। इधर बैठेंगे। अगर जो भी यूक्रेन में है, अगर ओडेसा घूमना चाहते हो तो जल्दी आओ, घूम के चले जाओ घर। दो और लोग मिसिंग हैं, ये दानिश आसिफ। वैसे भी ये लोग शाम में आते हैं, दिन में इनकी घूमने की औकात नहीं है। भैया जी गिव अवे कब करें? भैया जी गिव अवे करेंगे रात में।